महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। जमीयतुल उलमा हिंद के मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोज में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। लोगों ने इस बिल को देश को बांटने वाला बताया है। सिरोज के जमीयतुल उलमा हिंद के नायब सदर गाजी वली अहमद ने नागरिकता बिल का विरोध किया है। बताया कि सांप्रदायिकता, सोच और पक्षपात पूरे तरीके से इस बिल में लाया गया है। इस बिल में मुस्लिम समाज को छोड़कर और दूसरे समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान है, जो देश के अनेकता और एकता और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। मजहब के आधार पर बांटना संवैधानिक ही नहीं बल्कि मानवता के मूल्यों के भी खिलाफ है। इस विरोध प्रदर्शन में बिल वापस लेने की मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसडीएम संजय जैन को मेमोरेंडम भी दिया गया। नायाब सदर गाजी वली अहमद ने इस बिल पर क्या कुछ कहा है। हमने यही मांग की है कि ये जो सफाकाना बिल है, ये हिटलर शाही बिल है, ये तुगलक शाही बिल है। हम इसका विरोध करते हैं और इसको वापस लिया जाए। हमारे हमारे मुल्क में, हमें आजाद मुल्क में आजाद अंदाज में रहने का हमें वक्त दिया जाए। अगर बिल वापस नहीं लिया जाता है तो हम जब तक वापस नहीं होगा हम उसकी मुखालिफतें करते रहेंगे। बिल्कुल पुरमन तरीके से करेंगे, और जब अगर पुरमन तरीके से हमारी हुकूमत बात नहीं आती तो हमें कब तक हम अपने इन जवानों को अमन का अमन की अफ्यून देकर दबाते रहें। मजबूर होंगे वो भी फिर कि सड़कों पर हम उतरे, और हमने जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर इनका विरोध किया है, उसमें चाहे हमें इसके परवाह नहीं कि हमारी ये दाढ़ी खून में रगी जाएगी या हमारा साफा किसी के पांवों में होगा। हम लाठी डंडे भी खाएंगे और हम जो होगा उसको बर्दाश्त करेंगे और अपने मुल्क की इस एकता को बर्बाद नहीं होने देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।